यूपी के प्रयागराज में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। ये मामला है प्रयागराज का, जहां युवक ने कथित तौर पर इस्लाम का मजाक उड़ाने जाने को लेकर जो है वो एक सिटी बस थी उसमें कंडक्टर का सर ही धड़ से अलग कर दिया और इसने चापड़ का सहारा लिया था। इसको लेकर बवाल मच गया, सियासी गलियारों में भी हरकतें तेज होने लगी, बयानबाजी भी होने लगी क्योंकि युवक मुस्लिम था। आरोपी ने भागते हुए अपने मोबाइल से एक वीडियो भी बनाया और इसे वायरल करने की वजह बताई। अब पुलिस ने मुठभेड़ में उसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया है, उसके पैर में पुलिस की गोली भी लगी है। कंडक्टर और आरोपी दोनों की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई थी। घटना शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे की है। उसने कॉलेज के गेट के सामने किसी बात को लेकर पहले कंडक्टर से, मतलब हरिकेश विश्वकर्मा नाम है उसका, उससे उसकी बहस हो गई। उसके बाद अचानक जो है उसने चौपड़ से बस में ही अटैक कर दिया। मामला इतना गंभीर था कि उसके बाद सारे लोग सन्न हो गए, कोई समझ पाता कि अचानक से कि मतलब क्यों हुआ ये पूरा वारदात, जो पूरी वारदात को जिसने जो अंजाम दिया वो आखिर क्यों हुआ। छात्र हाथ में चौपड़ लहराते हुए भाग निकला, जो आरोपी था। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो वह चौपड़ लहराते हुए और धार्मिक नारे लगाते हुए जा रहा था। तो ये रही पूरी घटना। अब आज क्या हुआ इस मामले में, इसको लेकर अब पुलिस ने क्या खुलासा किया है, इस पर भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। पुलिस की मामले में अगर एंट्री होती है इन पूरे चीज़ों को लेकर, क्योंकि मुठभेड़ में उसे मार दिया गया, हालांकि उसके पैर में ही गोली लगी, डॉक्टरों का मानना है कि अब वो चल नहीं सकता है। सवाल है कि आखिर ये पैसे कहाँ से लाता था। पुलिस को यही संदेह है कि आखिर इसके पास इतने पैसे कहाँ से आते थे। वजह की परिजनों में भी पूछताछ जारी है, परिजनों से भी पूछताछ जारी है, क्योंकि पुलिस को शक है कि भाई इसके पास इतने खर्चे कहाँ से आते थे। इसके खर्चे और लारे भाषमी के निजी इंजीनियरिंग जो कॉलेज कर रहा था किसी निजी कॉलेज से, वो वहाँ की फीस कैसे फंड कर पाता था, ये फंडिंग भी कहीं से होती थी इसका मतलब। जांच में यह बात सामने आई है कि बीते 8 महीने से सुबह 4 बजे तक लारेब जो है वो जिहादी वीडियो देख रहा था। लारेब ने महीने में सबसे ज़्यादा जो वीडियो देखी थी वो पाकिस्तान के मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की। ये मौलाना खादिब जो हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे थोड़ा सा। मौलाना की तकरीर सुनकर लारे पाकिस्तान शब्दों का जो है, पाकिस्तानी जो शब्द होते हैं वहाँ के, उनको बहुत धड़ल्ले से यूज़ करने लगा था, जो आम तौर पर पाकिस्तान में भाषाएं बोली जाती हैं जिस चीज़ को लेकर हिंदी होती है, पर वो एक तरीके से उर्दू का हिंदी होता है। गोरखपुर का वो आदमी आपको याद होगा, वो आरोपी याद होगा आपको, जिसका नाम था मुर्तजा, उसी की तरह लारे भाषमी भी यूट्यूब के जरिए ही सेल्फ रेडिकलाइज्ड हो चुका था। वीडियो में जो पाकिस्तानी मौलाना थे उनकी तरफ से ये भड़काया जाता है एक तरीके से, वो कहता है कि ए खादिम हुसैन रिजवी, आपने कहा था अल्लाह के नाम पर निकलो, फरिश्ते आएंगे, एक भी हत्या मत करना, इस्लाम के दुश्मन करेंगे। ये सारी चीज़ें जो भी उसकी तरफ से कहा जाता था, वो मुझे इतना परफेक्ट नहीं समझ में आ रहा है कि वो चीज़ें क्या हैं, क्योंकि ये वही लोग समझ सकते हैं जिनका ये काम है। इधर खबर है कि कॉलेज प्रशासन की ओर से अब फिलहाल इसका नाम भी हटा दिया गया है। यानी एक तरीके से जो पाक कनेक्शन की बातचीत चल रही है उसमें यही है कि पाकिस्तानी वीडियो देखता था ये, और उसमें एक तरीके से जो जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है बार बार, जिहादी आप लोगों ने सुना होगा, उस शब्द को लेकर ही अब संदेह है कि इस चीज़ को लेकर जो वीडियो देखता था ये, उन वीडियो के जरिए ही इसके दिमाग में कहते हैं ना ब्रेन वॉश एक तरीके का, वो सारी चीज़ें इसके साथ हो चुकी थी। और उसी के साथ माना ये भी जा रहा है कि ब्रेन वॉश होने के कारण ही अब ये दूसरों को टारगेट समझने लगा। खैर मैं ये नहीं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि हिंदू मुस्लिम क्या कुछ जो आजकल की चीज़ें चलती हैं उससे हमारा लेना देना नहीं है, पर हाँ बहुत समय से ऐसी घटनाएं आती रहती हैं, आप सबको पता है, कभी इधर से कभी उधर से, तो ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि मामले में पुलिस को जो नया एंगल मिला है वो पाक कनेक्शन के हिसाब से ही जाँच की जा रही है। फिलहाल यूपी की पुलिस ने उसे ठोंक तो दिया, आपने तंबे भी देख लिया होगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे लोगों को शिक्षा कहाँ से मिलती है। क्या ये कृत्य करना, जिन घटनाओं को अंजाम देते हैं उनके अंजाम देने के बाद क्या परिवार उनका सुखी रह पाता होगा, या उन लोगों के कारण वो लोग जो उनसे अटैच थे
उनको भी कितना दुख पहुंचता होगा, उनके ऊपर भी जांच जारी होती होगी, उनके ऊपर भी कार्रवाई होती होगी किस तरीके की, उनको भी कितनी मानसिक प्रताड़ना मिलती होगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक के चलते बहुत सारे लोग फंसते हैं। फिलहाल यही अपडेट थी हमारे पास। हम इस घटना को लेकर आप तक सारी खबरें पहुँचाते रहेंगे। मैं था आपके साथ फिलहाल दिव्यांशु सिंह, और आप देख रहे थे वन इंडिया हिंदी। नमस्कार।